जी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये खूबसूरत शाम बढ़ते हुए हमें लेकर पहुंची है जैकब साहब के नाम से, वो मशहूर हैं क्रिश्चियन ब्रिगेडियर जनरल जैकब के नाम पे ये बना जैकब आबाद शहर, जो कि उनकी रूह भी खासी परेशान होगी, टेंशन में होगी इस शहर का हाल देख के, चूँकि यहाँ के मुकीम बता रहे हैं कि पुराने वक्तों में इस शहर की हालत बड़ी ज़बरदस्त होती थी। ये हम दाखिल हो गए हैं ब्रिगेडियर जनरल जैकब सीबी, और ये उनका मज़ार है, यहाँ पे उनकी कब्र है, ये उनका ग्रेव यार्ड है, और ये एक स्टेटमेंट लिखी गई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द स्टोन वॉज अनवेल्ड बाय सर क्रिस्टोफर मैक्रे, द बर्थ एस टी कमिश्नर एंड मिस्टर आफ्ताब शाबान मीरान, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन मंडे दिसंबर 1995। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है और दोबारा से इस को मज़ार को अभी बना रहे हैं, क्योंकि इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। कुछ फंड्स मिले हैं और उस पर हम इस पर काम कर रहे हैं। जनाब ये हैं फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टॉम, लेडीज एंड जेंटलमैन, सर जैकब की कब्र के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। और तो ये सैक्रेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रिगेडियर जनरल जैकब सीबी ऑफ द बॉम्बे अटर्ली पोलिटिकल सुप्रिटेंडेंट एंड कमांडेंट ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड एड डी कैंप टू द क्वीन बर्न। ये पैदा हुए थे 11th of January 1812 एंड डाइड इन 6th of December 1858 में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी टूरिस्ट के लिए इन्होंने लिखी गई है। और ये देखिए जी, क्रॉस का क्रिश्चियन जो साइन है क्रॉस, उसके बाद हम अंदर आते हैं ये कब्र के साथ। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे दिए जलाने के लिए, ये देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कैंडल दिए वगैरह भी यहाँ पे जलाए जाते हैं जो इनके बड़े हैं। आई डोंट नो कि इनका बड़ा यहाँ पे कोई होगा या नहीं, बट दिए शीए जलाने के लिए। और इसके अलावा कुछ क्रिश्चियंस मजीद यहाँ पे जो कुछ जो उनके मार्टायर थे, काफ़ी मशहूर हस्तियाँ हैं जो कि इस दो कनाल की जगह में दफन हैं। ये आप क्रॉस का साइन देख सकते हैं जी, ये कब्रें हैं सारी जो क्रिश्चियंस, क्योंकि ये जो जैकब आबाद इलाका है इसको जो आबाद किया था वो ऑब्वियसली क्रिश्चियंस ने किया था उस ज़माने में। मुकीम बता रहे हैं कि ये बड़ा 1800-1700 के ज़माने में ये बड़ा नीट एंड क्लीन था। और अब हम आपको लेके चलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन इस इलाके की, जो एक मौसीकी के सरदार, एक जो बहुत मशहूर व मारूफ नाम है, ये उनकी कब्र है। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, कलीसाई प्रस्तार खुदा के खादिम शमशीर एल्विन खोखर। एल्विन खोखर की तारीख पैदाइश 28 अक्टूबर 1971 से 21 नवंबर 2017 तारीख वफ़ात है। और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं ये खोखर साहब, खादिम शमशीर एल्विन खोखर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये उनकी कब्र है, आप देख सकते हैं, फॉलोड बाय द टॉम्ब ऑफ सर जैकब। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ, सर जैकब की ये कब्र, और इसके अलावा ये पास्टर ल्यूक विक्टर की कब्र, बिलव्ड हस्बैंड फादर एंड फादर इन लॉ पास्टर ल्यूक विक्टर। काफ़ी सारे यहाँ पे फेमस आर्मी के लोग, ब्रिटिश आर्मी के लोग दफन हैं, लेकिन चूंकि ब्रिगेडियर जनरल जैकब सबसे मशहूर हस्ती हैं तो ज़्यादा उन्हीं के नाम पे ऑब्वियसली इस शहर को रखा गया है। बाकी ये सारा क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान है ये सारा, आपको बताता चलूँ। चार दीवारी इसकी हुई हुई है और ये आप देख सकते हैं। शुक्र है हम दिन के टाइम पे पहुँचे हैं जैकब आबाद शहर, ताकि हम आपको ये हिस्टोरिकल प्लेस
विजिट करवा के जाएं। ये क्रॉस के साइन। तो वक्त हुआ है सर जैकब को अल्लाह हाफिज़ कहने का, वक्त हुआ है सर जैकब को अल्लाह हाफिज़ कहने का, लेकिन इस डूबते सूरज के साथ सर जैकब की जो रूह होगी वो अपने दिल पे कितने सारे गम लेके डूब रही होगी रोज़ाना, कि जिस इंसान ने इस शहर को नाम दिया, जिस इंसान ने जिसके नाम पे ये शहर बना है, और आप देख सकते हैं जिसकी इतनी खिदमत होंगी, उस शहर की हालत आपने बाहर भी देखी और उस कब्रिस्तान की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपने सीने में एक डर लिए, हमारे कुछ प्यारों की जो कब्रें होती हैं हम उसको भी थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं कि वो एक मुबारक जगह होती है, लेकिन जिसने इस पूरे शहर को बनाया उसके शहर की क्या हालत है और उस शहर के अंदर इस कब्रिस्तान की क्या हालत है ये आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। काश मैं कैमरे से निकल सकती धूल डस्ट और ये स्मेल, अगर कैमरे से निकल के ख़ुद को बता सकती तो मैं आपको बता सकता कि कितनी स्मेल है यहाँ पर और कितनी डस्ट और धूल है।